आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि SBI बैंक के स्टेटमेंट की PDF का पासवर्ड क्या होता है, इसे हम कैसे पता करें। जैसे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास SBI बैंक की तरफ से मेरा स्टेटमेंट आया है कि इस महीने में मैंने कितने रुपए का लेन देन किया है। जैसे आप यहाँ पर जैसे ही आप इस PDF को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो PDF है, यानी दोस्तों ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसका पासवर्ड क्या होता है वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद दोस्तों जब आपकी ईमेल ID पर आपके बैंक के स्टेटमेंट को PDF फॉर्मेट में भेजा जाता है, अगर वो PDF पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है तो आप यहाँ पर देखेंगे उस पासवर्ड का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर इज, यानी दोस्तों आपका जो बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके पिछले 5 अंक आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एंड DOB इज, जैसे जो उसके बाद दोस्तों आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर, तो आपको यहाँ पर 16 लिखना है, सितंबर यानी 9वां महीना, 09 लिखना है, और जो 1982 है तो आपको 19 नहीं लगाना है, खाली 82 लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये मोबाइल नंबर हो गया, और 16 09 16 सितंबर और 82 लिखा है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ से अपनी PDF को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे अपनी PDF को ओपन करेंगे उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को डालूंगा, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के पिछले 5 अंक डाले। उसके बाद दोस्तों मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेमो के तौर पे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1995, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 18/12/1900 नहीं लिखूंगा, खाली 95 लिखूंगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बैंक के स्टेटमेंट की PDF को ओपन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना।